राजधानी देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ और नगद धनराशि के संदिग्ध परिवहन हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली नंबर के एक वाहन में 5 लोगों द्वारा भारी मात्रा में नगद राशि ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर 2 अलग अलग बैगों में टीम को कुल 30 लाख रुपए नगद बरामद हुए। वहीं इस नगदी के बारे में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वाहन में सवार लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते बरामद कैश को मौके पर सीज कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया गया। वहीं अब संबंधित विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई भी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई उस पर तत्काल उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जैसी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी मात्रा में कैश लेकर एडीएल नंबर की गाड़ी देहरादून की तरफ आ रही है, इसको देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया था और गाड़ी को राजपुर रोड पर रोका गया था। उसमें 5 व्यक्ति सवार थे। चेक करने पर उसमें 15 लाख 2 बैग में मिले। पूछने पर कोई संतोषजनक न कोई डॉक्यूमेंट दिखा पाए न कोई जवाब दे पाए। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया, उनकी टीम द्वारा आके कैश का सीजर किया गया और उनको नोटिस दिए गए जिसके संबंध में उनके द्वारा जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी फाइंडिंग्स आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी।